I go first? Good morning, children. Good morning, ma'am. How are you? Fine, ma'am. हर्षिता आप बताइए, ठीक है? आप बताइए आपकी सबसे अच्छी दोस्त कौन है? मेरी सबसे अच्छी दोस्त है सौम्या. सौम्या. और उसकी कौन सी क्वालिटीज आपको सबसे अच्छी लगती हैं? क्वालिटीज. क्वालिटीज का मतलब क्या होता है? क्वालिटीज का अर्थ होता है गुण. गुण जिससे हम एक दूसरे के नजदीक आते हैं या हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, गुण वे होते हैं. तो हर्षिता आपके दोस्त में सबसे अच्छा गुण आपको कौन सा लगता है? वो बहुत उदार है और साहसी है. बहुत उदार है और साहसी है. वेरी गुड. आप सब एक ही गुण का नाम बताएंगे, ठीक है? सबसे पहले कौन बताएगा? रजत आप बताइए. दयालु. दयालु. गुड. दया का भाव हर व्यक्ति में होना चाहिए. विधि. नम्रता. नम्रता. वेरी गुड. नम्रता, हर व्यक्ति को नम्र होना चाहिए, ठीक है? बहुत से काम आपके बन जाते हैं नम्र होने से, ठीक. और हर्षिता तीसरा गुण कौन सा बताएंगी आप? उदारता. उदारता. वेरी नाइस. और आयुष्मान. सहायक. सहायक, किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, ये इंसान का सबसे अच्छा गुण है. तो इन गुणों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम ये भी जान लेते हैं, ठीक है? चलिए, पहला गुण होता है दयालु. दयालु को अंग्रेजी में कहते हैं काइंड. KIND. क्या कहते हैं? काइंड. काइंड का अर्थ क्या होता है? दयालु. वेरी गुड. दूसरा गुण है नम्रता. नम्रता को अंग्रेजी में कहते हैं courteous. 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 courteous क्या कहते हैं नम्रता को अंग्रेजी में? courteous. courteous. वेरी गुड. उदारता तीसरा गुण है. उदारता. उदारता को अंग्रेजी में कहते हैं लार्ज हार्टेड. क्या कहते हैं? लार्ज हार्टेड. हाँ, गुड. LARGE HEARTED. उदारता, ठीक है? अब चौथा गुण है साहस या साहसी होना. साहसी. साहसी को अंग्रेजी में कहते हैं courageous. क्या कहते हैं? courageous. courageous की स्पेलिंग है CourageOUS. courageous. courageous का अर्थ है साहसी. साहसी. वेरी गुड. और पांचवा जो गुण है वो है सहायक. किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पफुल. HELPFUL. हेल्पफुल, किसी का मददगार साबित होना, किसी की सहायता करना, ठीक है? बच्चों, तो हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से गुण एक अच्छे इंसान में होने चाहिए. तो चलो बच्चों, आज हम लोग एक कक्षा 6 में एक पाठ है मी आई गो फर्स्ट, ठीक है? वो एक छोटी बच्ची रजनी की कहानी है. चलो हम सब पढ़ते हैं. रजनी वॉज अलोन एट होम दैट डे. अलोन, ALONE. अलोन का क्या अर्थ होता है? अलोन का अर्थ होता है अकेला. क्या अर्थ होता है? अकेला. और यहाँ चूंकि रजनी लड़की है तो अकेली क्या होगा? अकेली. हाँ, उस दिन रजनी घर पे अकेली थी. हर मदर वॉन्टेड टू कुक राइस एंड दाल. उसकी माँ चावल और दाल बनाना चाहती थी. शी आस्क्ड रजनी टू गेट हर सम राइस एंड दाल फ्रॉम शंकर्स शॉप. उसने रजनी को शंकर की दुकान से थोड़ा सा चावल और दाल लाने के लिए कहा. रजनी क्विकली गॉट रेडी एंड वेंट आउट. क्विकली, QUICKLY. इधर देखो बच्चों, क्विकली
QUICKLY. क्विकली का क्या अर्थ है? क्विकली का अर्थ है जल्दी से, शीघ्रता से. Got ready. GOTREADY. Got ready का अर्थ होता है तैयार हो जाना. वह जल्दी से तैयार हो गई और बाहर चली गई. रजनी वॉज द फर्स्ट इन द लाइन एट शंकर शॉप. रजनी दुकान में पहले लाइन में पहले नंबर पर थी. देयर वेयर मेनी पीपल बिहाइंड हर. पीपल, PEOPLE. पीपल का अर्थ होता है लोग. क्या अर्थ होता है? लोग. हाँ, वहां पर उसके पीछे बहुत से लोग थे. Among them was a fine gentleman wearing a coat and a cap. Wearing, wear. WEAR. Wear का अर्थ होता है पहनना. क्या अर्थ होता है? पहनना. हाँ, उनमें से एक सज्जन व्यक्ति ने एक कोट और एक टोपी पहनी हुई थी. He wanted to be first in the line. वह लाइन में पहले आना चाहता था. The gentleman was in a hurry. 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 Hurry का मतलब होता है जल्दी. ठीक है? Yes. वह सज्जन व्यक्ति जल्दी में था. He said to Rajni. उसने रजनी से कहा, I am older than you. I feel tired. I want to go home early. उसने कहा, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं. Older, OLDER. Older का अर्थ होता है उम्र में बड़ा होना. ठीक है? मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं. I feel tired. मैं थकान महसूस कर रहा हूं. I want to go home early. मैं घर जल्दी जाना चाहता हूं. May I go first? क्या मैं पहले जा सकता हूं? Yes, you may please. हाँ, कृपया आप जा सकते हैं. रजनी was kind and generous. रजनी दयालु थी और generous. 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 Generous का अर्थ क्या होता है? विनम्र. रजनी दयालु थी और विनम्र थी. She allowed the gentleman to go before her. उसने सज्जन व्यक्ति को अपने पहले जाने दिया. Now her number was second in the line. अब लाइन में उसका नंबर दूसरा था. ओके, अब मुझे इतना हम लोगों ने पढ़ा. अब एक प्रश्न का जवाब देंगे. रजत आप देंगे. ठीक है? यस. व्हाट डिड द जेंटलमैन से टू रजनी? उस सज्जन व्यक्ति ने रजनी से क्या कहा? उस सज्जन व्यक्ति ने रजनी से कहा, हाँ? कि मैं बहुत थका हुआ हूँ और तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए मुझे आगे पहले लगने दो. हाँ, मुझे आगे जाने दो. क्या मैं पहले जा सकता हूँ? उसने रजनी से यही पूछा. एंड देन रजनी ने क्या जवाब दिया? हर्षिता, रजनी ने कहा कि आप जा सकते हैं. आप जा सकते हैं. यस, यू मे प्लीज. आप जा सकते हैं. वेरी गुड, वेरी नाइस. चलो अब आगे देखो. अ वुमन हु वॉज जस्ट बिहाइंड रजनी सेड टू हर. एक औरत जो रजनी के ठीक पीछे थी, उसने रजनी से क्या कहा? I can't see the shopkeeper. I am shorter than you. मैं दुकानदार को नहीं देख सकती. मैं तुमसे कद में छोटी हूँ. Shorter का अर्थ होता है कद में छोटा होना. ठीक है? Yes, ma'am. मैं तुमसे कद में छोटी हूँ. May I go first? क्या मैं पहले जा सकती हूँ? All right. रजनी ने कहा, ठीक है. रजनी वॉज काइंड एंड जेनरस. रजनी
क्या थी अभी आपको बताया? काइंड, दयालु, दयालु और जेनरस, विनम्रता, विनम्र। रजनी दयालु और विनम्र थी। शी अलाउड द वुमेन टू गो बिफोर हर। उसने औरत को अपने पहले जाने दिया। नाउ रजनी वॉज थर्ड इन द लाइन। अब तो रजनी तीसरी हो गई उस लाइन में। अब हर्षिता आप बताइए, हु आस्क्ड रजनी टू हेल्प हर? किसने रजनी से मदद मांगी? वो औरत जो रजनी से कद में छोटी थी और वो शॉपकीपर को नहीं देख पा रही थी। हाँ, गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आंसर दिया। चलिए अब आगे देखिए। ऑल ऑफ अ सडन अ फैट मैन केम हियर। ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से एक मोटा आदमी वहां आ गया। ही सेड टू रजनी, उसने रजनी से कहा, आई कम हियर अर्लियर देन यू। अर्लियर, अर्लियर का अर्थ होता है तुमसे पहले, पहले आना, ठीक है। yes, मैं तुमसे पहले आया हूं। आई वेंट टू ड्रिंक वॉटर, मैं पानी पीने चला गया था। मे आई गो फर्स्ट, क्या मैं पहले जा सकता हूं? ऑल राइट, ठीक है। रजनी वॉज काइंड एंड जेनरस। रजनी क्या थी? दयालु और विनम्र थी। शी अलाउड हिम टू गो बिफोर हर, उसने अपने आगे जाने की अनुमति दे दी, अपने पहले जाने की अनुमति दे दी। नाउ हर नंबर वॉज फोर्थ इन द लाइन। अब वो चौथे नंबर पे थी। शेखर द शॉपकीपर वॉज वॉचिंग ऑल दिस। वॉच, WATCH, वॉच। वॉच का अर्थ होता है देखना, ठीक है। दुकानदार शेखर, दुकानदार वह सब देख रहा था। ही गेव थिंग्स फर्स्ट टू द जेंटलमैन, उसने वो चीजें पहले उस सज्जन व्यक्ति को दी। देन टू द वुमेन, उसके बाद उस औरत को दी। एंड देन टू द फैट मैन, उसके बाद मोटे आदमी को दे दी। रजनी वेटेड पेशेंटली, वेटेड, वेट, WAIT, वेट का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, ठीक है। रजनी और पेशेंट, पेशेंटली, PATIENTLY, पेशेंटली का अर्थ होता है धैर्यपूर्वक। रजनी ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा किया। She did not grumble. Grumble का अर्थ होता है बड़बड़ाना। Grumble का क्या अर्थ होता है? बड़बड़ाना। GRUMBLE. Grumble का अर्थ होता है बड़बड़ाना। वह नहीं बड़बड़ाई। When her turn came, जब उसकी बारी आई, she bought some rice and दाल, उसने थोड़ी सी दाल और चावल खरीद लिए। She paid the money to Shekhar, और उसने शंकर को कुछ पैसे दे दिए, उसका दाम चुका दिया, उन चीजों का दाम चुका दिया। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। yes, अब अंशुमान हमें एक प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है। आप बताइए कि क्या रजनी बड़बड़ाई थी? Did she grumble? नहीं, रजनी नहीं बड़बड़ाई थी। रजनी नहीं बड़बड़ाई। रजनी वेटेड पेशेंटली, रजनी ने धैर्य से प्रतीक्षा की। राइट, शंकर वॉज हैप्पी टू सी रजनी। शंकर रजनी को देखकर बहुत खुश था। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया, शी वॉज अ गुड लिटिल गर्ल, वह बहुत अच्छी और प्यारी लड़की है। शी वॉज काइंड टू ऑल, वह सबके लिए दयालु है। God loved such children. ईश्वर ऐसे बच्चों को प्यार करते हैं। He thanked her for the money. उसने पैसे के लिए उसे धन्यवाद दिया। Thanked का मतलब होता है धन्यवाद दिया। रजनी was very tired. रजनी बहुत थकी हुई थी। She was very hungry also.
हंग्री, HUNGRY, हंग्री। हंग्री का मतलब होता है भूखी। वह बहुत भूखी थी, उसे बहुत भूख लगी हुई थी। She went home, वह घर चली गई। She took her food quickly and went to sleep, उसने जल्दी से अपना खाना खाया और सोने चली गई। तो बच्चों, आज हम लोग ने ये कहानी पढ़ी जो एक रजनी नामक छोटी सी बच्ची से संबंधित है। तो इसी से संबंधित एक छोटी सी कविता है, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस। आप हमारे साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है? यस। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, बोलिए। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस। डीड्स का अर्थ होता है कार्य। डीड्स का क्या अर्थ होता है? कार्य। हाँ, और काइंडनेस अभी आपने पढ़ा, काइंडनेस का क्या अर्थ होता है? दया। हाँ, दया से भरे हुए। क्या अर्थ होता है? दया से भरे हुए। हाँ, दया से भरे हुए छोटे छोटे कार्य। एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ लव। वर्ड्स, वर्ड्स WORDS, वर्ड्स का अर्थ होता है शब्द। क्या अर्थ होता है? शब्द। शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्ड्स। लव, लव का अर्थ होता है प्रेम या प्यार। लव का क्या अर्थ होता है? प्रेम या प्यार। प्रेम से भरे हुए छोटे छोटे शब्द। नथिंग डू दे कॉस्ट, उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। हम प्यार से भरे शब्द बोलते हैं या दया से भरे हुए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, उसकी कीमत कुछ भी नहीं, उसके बदले में हमें कुछ भी चुकाना नहीं होता, ठीक है? यस मैम। यस मैम। दिस अर्थ इन हेवन दे टर्न, अर्थ, EARTH, अर्थ। अर्थ का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी, ये धरती। हेवन, HEAVEN, हेवन, हेवन का अर्थ होता है स्वर्ग। हेवन का क्या अर्थ होता है? स्वर्ग। हमें छोटे छोटे दया से भरे हुए कार्य, प्रेम से भरे हुए छोटे छोटे शब्द, बोलने में कुछ भी खर्च नहीं करना होता, लेकिन वे शब्द इस धरती को स्वर्ग में बदल देते हैं। अगर हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं या कुछ अच्छे शब्द बोलते हैं तो यह धरती भी एक स्वर्ग के समान हो जाती है, क्योंकि यहाँ अच्छे लोगों का वास हो जाता है। तो आज बच्चों, हम लोगों ने बहुत से अच्छे इंसानों के बहुत से गुणों के बारे में पढ़ा, और हम सभी आज ये संकल्प करें कि हम जीवन में बहुत अच्छे कार्य करेंगे और ये सारे गुण अपने में लाने की कोशिश